जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वारदात इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो हाल ही में घटित हुआ है और जिसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसिडेंट हुआ है इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है एंड एक पर्सन है जो कि विक्टिम है। जो पर्सन इन्वॉल्व है उनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार सरोगी। ये एक बहुत बड़े कंपनी के CEO है। कंपनी का नाम है वल्कान ग्रीन स्टील और ये कंपनी है ओमान में। ये जो कंपनी है वल्कान ग्रीन स्टील, ये एक बहुत बड़े इंडिया के स्टील कंपनी का पार्टनर कंपनी है। जो इंडियन कंपनी है उसका नाम है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिसका एड आपने टीवी में भी देखा होगा। हार्दिक पंड्या इसके ब्रांड एम्बेसडर है। जिंदल पैंथर का जब वो एड करते हैं वही कंपनी है ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसकी एक सिस्टर कंपनी है जो कि ओमान से ऑपरेट करती है जिसका नाम है वल्कान ग्रीन स्टील। और ये पर्सन जिनका नाम है मिस्टर DK सरोगी, दिनेश कुमार सरोगी, ये उस कंपनी के CEO है। जो दूसरे पर्सन है जो कि विक्टिम है उनका नाम है अनन्या जी और उनके साथ ये घटना घटित हुई है। हुआ क्या पूरी इंसिडेंट वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही लोग एक फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं कलकत्ता एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए और वहां पर इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और ये इंसिडेंट होता है। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो विक्टिम के द्वारा बताया गया है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा और स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा क्योंकि इन्होंने खुद अपनी मुंह जबानी ये इंसिडेंट शेयर किया है, जो कि एक बहुत, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया है जिसके लिए बहुत करेज लगती है और जो कि एक सही स्टेप भी है। तो वो इंसिडेंट मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, अनन्या जी यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रही है, शेयरिंग एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी इन द फ्लाइट फ्रॉम कैलकटा टू अबू धाबी ट्रांजिट टू बोस्टन। तो दोस्तों ये बोलना चाह रही है कि ये एक इंसिडेंट अपना शेयर कर रही है। ये इन्होंने एक फ्लाइट ली थी कैलकटा से अबू धाबी के लिए, बट इनको अबू धाबी नहीं जाना था, इन्हें जाना था बोस्टन, क्योंकि वहां जो जो दूरी है दो शहरों के बीच में वो ज्यादा है, इसलिए ये ट्रांजिट फ्लाइट थी जो कि अबू धाबी में रुकेगी फिर वहां से बोस्टन के लिए चली जाएगी। तो ये इनका कहना है। तो यहां पर इन्होंने लिखा है, आई वॉज सीटेड नेक्स्ट टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट दिनेश कुमार सरोगी CEO ऑफ जिंदल स्टील, ही मस्ट बी रफली 65 इन एज एंड टोल्ड मी ही नाउ लिव्स इन ओमान बट ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली। ही स्टार्टेड चैटिंग मी अप वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशंस अबाउट अ रूट्स फैमिली एक्सेट्रा। ही इज फ्रॉम चूरू इन राजस्थान। इनका ये कहना है कि इन्होंने नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट की मिस्टर DK सरोगी के साथ, जहां पर मिस्टर DK सरोगी ने इनके साथ कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट करने का कोशिश किया, जैसे कि रूट्स फैमिली एक्सेट्रा। द कन्वर्सेशन मूव टू व्हाट माय हॉबीज आर, ही आस्क्ड इफ आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स। ही देन प्रोसीड्स टू टेल मी ही हैज सम मूवी क्लिप्स ऑन हिज फोन। ही विप्स आउट हिज फोन एंड ईयरफोन्स टू शो मी पॉर्न। वाह दोस्तों, यहां इनका कहना है अनन्या जी का कि DK सरोगी के द्वारा, मिस्टर DK सरोगी के द्वारा उनका ये क्वेश्चन था इनके लिए कि आप मूवीज वगैरह देखना पसंद करती हैं, जहां पर इन्होंने हाँ बोला। तो यहां पर मिस्टर DK सरोगी ने अपना फोन निकाला और इन्हें अपने फोन में कुछ पॉर्न वीडियोस वगैरह शो करना स्टार्ट किया, ऐसा अनन्या जी बोल रही है। ही स्टार्टेड ग्रोपिंग मी, आई वॉज फ्रोजन इन शॉक एंड स्केयर। तो दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा, अगर किसी को ग्रोपिंग के वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रोपिंग का अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसका ये मीनिंग है, टू टच समबडी सेक्सुअली स्पेशली व्हेन ही और शी डज नॉट वांट यू टू। तो ये बहुत सीरियस इंसिडेंट है दोस्तों। यहां पर ये बोल रहे हैं कि ही स्टार्टेड ग्रोपिंग मी, आई वॉज फ्रोजन इन शॉक एंड स्केयर, आई इवेंचुअली रैन ऑफ टू द वॉशरूम एंड कंप्लेन टू द एयर स्टाफ। Thankfully, the Etihad team was very proactive and took action immediately. They made me sit at their sitting area and served me tea and fruits. दोस्तों यहाँ पर Etihad की जो टीम है, जो वहाँ पे टीम थी, उन्होंने ये बहुत सही हेल्प किया यहाँ पर जो विक्टिम है अनन्या जी का। और ये बहुत जरूरी होता है जब आप ऐसे माइंड स्टेट में आ जाते हैं और आपको एकदम सडनली ऐसा कुछ शॉक होता है, तो बहुत जरूरी है उस समय एक हेल्पिंग हैंड होने का जो आपको संभाल सके। और यहाँ पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा Etihad टीम का। ही केप्ट कॉलिंग देम टू आस्क वेयर आई हैड गॉन। द स्टाफ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द कॉप्स एट अबू धाबी हु वर वेटिंग एज सून एज द गेट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट ओपन। तो यहाँ पर स्टाफ ने बहुत प्रॉम्प्ट तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने अबू धाबी में भी इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारी फ्लाइट में, और वहां पर भी पुलिस और बाकी चीजों को, बाकी जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दिया गया। आई वॉज एस्कॉर्टेड टू द नेक्स्ट गेट टू एंश्योर ही डज नॉट कम नियर मी।
He also did not deny this when the cops asked him questions. I am sharing this because I want to remind everyone that something like this can happen to anyone. दोस्तों बहुत जरूरी है बात. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अनन्या जी ने, जो इन्होंने ये इशू को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और जो कि बिल्कुल सही बात है. I am working to get this incident out to the founder of Jindal Steel, Mr. MP Naveen Jindal, so that he is aware of the kind of people who are in leadership. I am also afraid of how this molester must be treating his female employees from a place of power. दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज उन्होंने यहाँ पे कह दी है. तो आपको जिनको नहीं पता, मिस्टर नवीन जिंदल जो कि इस साल एमपी बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा, तो ये उनकी ही कंपनी है जिंदल स्टील, और उनके लिए ये काम करते हैं जो यहाँ पे दिनेश कुमार मिस्टर डी के सरोगी हैं, वो सीईओ हैं कंपनी के. तो ये बोल रही है कि अगर मैं यहाँ पे ये इंसिडेंट अवेयरनेस क्रिएट नहीं करती हूँ तो आप सोचिए कि उनके अंडर जो काम करते होंगे उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, या मे बी नहीं भी हुआ होगा, तो भी बहुत जरूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना. और इनका अभी कहना है, आई एम फाइन, अ लिटिल रैटल्ड एंड डिस्टर्ब्ड, आई फील वायलेटेड, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक श्योर दिस नेवर हैपन्स टू अनदर वुमेन. थैंक यू एथियार्ड, आई सीम टू हैव टैग्ड योर रॉन्ग अकाउंट. ओके, इन्होंने ये जब इंसिडेंट शेयर किया था तो एथियार्ड को टैग किया था. धन्यवाद कह रही हूँ उनको, जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ कैलकाटा से अबू धाबी के फ्लाइट के दौरान. तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है. सीख ये है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, पहली चीज, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी भी अननोन आदमी या स्ट्रेंजर आदमी से आपको बात या कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करनी है. जनरली मैं जब कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने साथ बुक रखता हूँ, किताब रखता हूँ, जिससे मेरा मेंटल विजडम भी इंक्रीज हो और मुझे किसी से बात करने की जरूरत ही ना पड़े. ऑल्दो ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था. और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैं गांधी जी के वसूलों पर चलता हूँ, पुराना देखो, पुराना बोलो, पुराना सुनो, अगर आज मिस्टर डी के सरोगी ने ऐसा कुछ ये वसूलों को फॉलो किया होता तो माइट भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता नहीं. लेकिन पर अभी ये इन्होंने अनन्या जी ने बहुत अच्छा एक करेजियस स्टेप लिया, जो इन्होंने ये इशू अवेयरनेस क्रिएट किया. तो दोस्तों इसी के साथ मैं जतिन विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ एक इसी चैनल फ्री की जतिन पर एक नई कहानी के साथ. तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जय हिंद.